भगवान की कृपा से हमारे एक दो नाम भी तो भीगी अब चल बाद हम चाय चाय उन्हीं में भीगी अब तो पसंद क्या है किसी पसंद तो मिली कहीं वो देखा बारी याद करी और चाय पकड़ लेके पहुंच गई आज मेरी अपनी पसंद है पकौड़ी बनाई चंद गरम गरम और भैंसा दूध है चाय आप सब लोग ले पकौड़ी वाओ गरमा गरम पकौड़ी बा ठहर जा भाई ठहर जा हम तो भी खाना मगा दे बेटा जब तेरे बाहर आए ना तो वो ही पकौड़ा बनो मैं ये बात सब मिलजुल ही खावा तुम उनके जा हैं गढ़वाई व्यंजनों स्वाद क्या होंगे नंदा मैं क्या पता मैं तो गड़बड़ी नहीं छू अरे जल के मेरे खाई में ना उसका दूती क्यों मिली हो तुम और है कि लेकिन तुम तो बह ही रहे हमेशा अब तो मेरे माँ के दर तो गड़बड़ी छन है अभी बेस छोड़ा और गरम गरम पकौड़ी खा सब ठीक बोल नहीं चुका है अब एक जो तुरंत ऑफिसर एक नौनी ये होता है बीत गया ताकि रोज पकौड़ा खाओ जी ये प्रकाश होता है नोनी खुजाने की ये जरूरत नहीं थी ये आप ही खुजे ले लो पहले ये ट्रेनिंग पूरी हो गया अच्छा माँ मैं चल दूँ जाओ पिताजी मैं चल दूँ जाओ बाबू नहीं मिल जाओ बेटा पढ़ाई का साथ साथ अपन खाना पर भी ध्यान दे देख कर कमजोर रह गए तो हैं एक ये प्रकाश जनते समझो ना धन्य ये देखिए मैं जरा होने चाहिए अब मैं लवन चुनी मैं ज्यादा प्यार की लगा दो एक ये बोली चाहिए तो माँ मजाक चकुन ना मैं मजाक चकुन ना जिंदर छोड़ बुरा के मेरे दर्दे दर्दे भी थे अब जरा हाथ में रुक जाऊँगा ये सरिता का जान लगी यार बहुत गुस्सा मन लग रही क्या बोल यार मूड खराब छे आज जंचू में हाँ सरिता बहुत गुस्सा मुझे मैं लगने पर कैसे खे रहे आज चल यार हम भी चलते ना घर जाओ टाइम हो गया यार अरे सुना तुमने सरिता भी देखी आज वो बड़ा गुस्सा में लगनी छे लगी क्यों है कब गए होली वो क्यों होली जख वो जान दी छे आज ना मेरी खैर नहीं छे
एगे तुम मिले तुम तो फुर्सत और जाना हम तो भूल ही जाना। अरे बुआ इतने गुस्से की नशे हो रही मैं घर के बाहर सबसे पहले तेरे से मिल रही हूँ। रहने जा घर जाके तो तुम भूल जाना मुख सामने है तू बन बनी छुई लगा निमन देख तेरी याद मन जा क्या हाल है तेरी ते तो पता मैं घर में भी तेरी याद करने वाला हूँ। सच बताओ प्रकाश मेरा भी ये हाल चल मेरा आँखों में तुम्हारी तस्वीर बसी है मेरी आँखें और मेरी ही अम्मा बीती बसी है। छोरी गंगा छाला माछी मारी सची तेरी खुद माँ क्या होगे निहाला है की देखी जदी तेरी खुद माँ क्या होगे निहाला है की देखी जदी तेरी खुद माँ क्या होगे निहाला है की देखी जदी बाटी मैं दिन रात तेरी ही छुई लादो जय के माया को रोग लगी जब बाटी मैं दिन रात तेरी ही छुई लादो जय के दगड़िया क्या ऊपरी मन क्यों मां तेरी कसम सची तेरी खुद मां क्या है के तेरी लकली झटकानी
तेरी लटुली झटकानी मीठी 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 चोयों की खुद लगी चा तेरी कसम सची तेरी खुद माँ क्या होगे निहाल ऐ की देखी जदी झुरी झुरी की याद भेगो बाना बिगड़ा बोलने से भी झुरी झुरी की याद भेगो ये बोली हैं इक्क छा बैठा तुम हैं बाकी बात हो गई बाकी बात तुम्हारे मामा मनी इसी का तुम थे तुम बीच रोड में बैठा छा प्रकाश तो बोलो प्रकाश हां मैं तो पता जी भई कि तू प्रकाश बननी छे तुम तो कन में पता ओ नंबर सेव छे मेरे दिमाग ना आजकल पता निकल छे मैं तो यो भी पता जी कि तू के बारे में बात करनी चाहनी छे तू सरिता के बारे में बात करनी चाहनी छे अच्छा ओ हां मैं तो बोली की छ कि मेरे भाभी जी बड़ी महान छन अच्छा भाभी तू भी का मां पापा मान गिन तू हमते बुलायो छ करा ना भाई सास ससुर जी तेरी बात कर दो ना बाबा ना ये मेरे बस की बात नहीं छे ना तू ही नहीं बात कर आखिर तू बीचा दलाल छा ओहो सॉरी भाभी सॉरी अच्छा ठीक छे मैं फोन रखनु छ हां अरे नालायक जय तुम्हारे स्कूल का पेपर आ गया बेटा चला सुन लेकिन आजकल का मास्टर केवल तनखा का खातिर ड्यूटी करना चाहे बच्चों की फिकर कब से भविष्य जब तक स्कूल का मास्टर अपनी अच्छी जिम्मेदारी लेने वाला तब तक हमर गढ़वाल को पलायन नहीं रोक सको इन्हें तो नहीं ये होगा भाषण बाय से कुछ नहीं होगा बैठ जा जय ते हम काम कर 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 बेटा हाँ बेटा जय तीन जब जब खबर कर ले तो खबर कर ली और अब तो इसको नंबर वन पर लो अरे सुना अरे खबर से भी याद है प्रकाश और मोचा को फोन भनाई कि ना अरे हाँ वो तो पुलिस में गया था कि हो रहा वेगी वेगी मेरे को प्लेसमेंट वेगी मेरे बोलना मतलब ची कि मेरे को अभी फोन आया जो अभी हम सत्य दे रहे हैं बोले बुलाया जी कितने बुलाया जी प्रकाश हम कोई नॉन ही पसंद करी थी अभी लड़किया गौरवालन जी थी हम सत्य वो बोले रही थी वेन कभी लड़किया बार मानता पता ही नहीं ची आप तो पता चली ना कि परेशान थी दिक्कत तो कुछ नहीं चली पर फिर भी हमारे संस्कृति संस्कार अरे शिक्षक महोदय ये तुम्हारे स्कूल नहीं घर दी घर ले आ चाय दिया बे
प्रकाश भी तुम्हारी भेजी। तुम तो विश्वास नहीं हो पर विश्वास है ना पर क्या मोर भारत पूरी का नहीं पता बीचा दलाल बनी जाए तो अरे वो शिक्षक महोदय एक शिक्षक का मुंह से इस शब्द सो बनी दे ना ये शब्द का दलाल ना माध्यम होगा। सॉरी 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 लेकिन अरे लेकिन लेकिन पता भोजन नहीं कहा नहीं कह चल बेटा कुलोग छन संस्कारी लोग छन कहन क्या कर दन इस पता भोजन ना है ठीक है तुम लोग सब तैयार छ तो मैं प्रणय जी मां सो दिन निकाल लेते हैं और चल लो। यस 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 अच्छा तो अकेले है तेरे माँ पिता कल खेने वो आना चाहिए अंकल जी वो देखा है नहीं टूटी नीचे नहीं तो जंग जो तो कहाँ छान कर बोल बेटा बच गए ये सर तो भाई इतना बुरा कर जे कि अब भी सिलाई करने जाए छोड़ जाऊँगी छोड़ दूँ मैं आज माफ कराया अब तू नहीं जान ना जान बूझे तो भी नहीं थे अब तीन बैठे चिरंजीव चिरंजीव ये मेरे नोनी सरिता एम कॉम करू छे अब पीएचडी की तैयारी करनी छे अंकल जी हम भाभी जी को इंटरव्यू थोड़ी लेना चाह अन्ना हमने तो नौकरी लगा हम तो सिर्फ भाभी जी जान ठीक बोली हमारे पिंकी
डिग्री से आदमी नौकरी पै सकद पैसा पै सकद पर व्यवहार से सब कुछ पै सकद। हाँ मैं मंगल सिंह घोषणा कर दू भाई हम तो बारी पसंद है। अरे पिताजी आज तो पहली बार बढ़िया घोषणा करी, मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि मेरे पिताजी के नाम भी और अंकल जी के नाम भी कितना खतरनाक कम हो गए, एक को नाम मंगल सिंह और एक को नाम भवन सिंह। क्या तुम पहले जमाना में डाकू तो नहीं था? चुप है जा, बार बार मजाक करने रोनी है। शांत शांत मैं घोषणा करूँ निस्वीकार कर दो या निस्वीकार तय बड़ी के रूप में स्वीकार कर क्यों जाए कि माँ मैं ठीक बोलूँ ना। हाँ हाँ ठीक जा बड़ी तुम्हें प्रकाश पसंद क्या तुम्हें पसंद ही जीवन चे तवान चाहोगे। हाँ तो मैं घोषणा कर दो। हाँ मतलब भवानी सिंह जी अरे सॉरी समझी जी आज मांगन कर दो ला और फिर जल्द से जल्दी दिन निकाल देते हैं और शादी भी कर दो ना। ठीक है तो ठीक है समझे जी मैं पंडित जी का फोन कर दूँ बुला दूँगा। पंडित जी तो सगाई के लिए सुन अब शुरू कर लिया है ना यार लो भाई थमा लो ओम श्री गणेशाय नमः सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैव्यस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम हरुं नमो भगवते वासुदेवाय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैव्यस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। अब तुम मीन करा एक दूसरे पर अंगूठ करे ला है ना जी मांगने रसम पूरी हुई गई अब मुख मिटो करा। हाँ हाँ खेले ना किरण जी आखिर का चौमाई से आई मां चला भी सदा स्वागत मंदिर है जू 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 या बेटा सौ साल है। चिरंजीव जी खुश रहो खुश रहो। मेरे भाभी तुम्हें मेरे पैर के लिए नहीं चाहिए सब कुछ चाहिए है ले। अच्छा चुना कर खुद नहीं अच्छा सान सान सुना सुना मैं घोषणा कर दूं कि अरे पिताजी तुम हर समय घोषणा के लिए कर देने तो आ जाएं। अच्छा मेरी बहन कुछ और बोल तो मैं घोषणा कर दूं। अरे सॉरी पंडित जी अब सगाई तो संपन्न हो गई है अब जल्द से जल्दी ब्यो को दिन देखा और वे भी ब्यो भी संपन्न कर दो ला है ठीक। रुक जावा मेरी एक शर्त छ मैं घोषणा कर दूं बोल बेटी बोल तू चांदी तो दिल्ली को मशहूर बैंड बुला दियो तू चांदी तो दिल्ली का फाइव स्टार होटल में तेरी शादी करवा दियो।
हाँ बोल बोल तो सही। मैं चाहती कि हमारी शादी सिंपल हो, हम कभी मंदिर माँ न तेरी छोट माँ शादी कर सकता। मंदिर इन्होंने क्या बोली भाई, है मंदिर है क्यों बोले मंदिर 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 है क्या बोली इन्होंने मंदिर में क्यों करी तू समाज क्या बोल रहा ना कटोर दिन हमारे पिताजी कल मैं ना कट ली मैं कुछ गलत छुपन हो क्या ये मैं गलत ही क्या चीज पागल हुआ क्या हमारे तबे पढ़ा लिखा है तू क्या मार भी जात कर पर माँ ये मैं बेइज्जती वाली बात ही क्या चीज आजकल का ब्योद दिखना होला तुम न रीति चीज न रिवाज चीज दुई दिन का ब्योद दुई घंटा में निपटे जाना वो निकल गया नौ ने कंगन बात कर दी क्या मैं ठीक छू बनू पिताजी आजकल लोग शादी ब्याह से मजाक समझ ली पहला शादी माँ संस्कारों को आदर प्रदान समझो पर आजकल बस कॉकटेल पार्टी चिढ़ोनी इससे ज्यादा कुछ नहीं होनू एकदम ठीक छगनी सरिता तो आजकल सच में लोग जो मरात है रेस बने रेस कि जो जत ये मैं दौड़ू फर्स्ट नहीं करूँ कि 10 लाख खर्च कर लूँ कि 15 लाख खर्च कर लूँ कम टीशर्ट लग लो जी कि तू बड़ो आदमी बढ़ दे कि नहीं बढ़ो जो ज़्यादा खर्च कर जब बड़ो आदमी बढ़ जाओ अच्छा विकास तू ये इनका पैसा खर्च करना बाद फायदे क्या चीज रोज नहीं घटना कोई फांस लगे दोनों के तो आग लगे दोनों इनका पैसा खर्च करना बाद फायदे क्या चीज कोई फायदा नहीं चीज कोई नहीं पहुंचू वो 7 वचन होता है पापा जी यांगे वास्ता हमारा अपना 7 वचन बढ़िया छन कि हमेशा हम सुखी रहन इन क्या वचन छन तुम्हारा कि तुम सब हो करके क्षमा कर रहे हैं हां देखा देखा सब टीम उखड़ी देगा पहलो वचन एक दूसरे को माता पिता को सम्मान करना और दूसरा वचन जीवन में कोई भी फैसला हो आपस में मिल के करना और तीसरा वचन एक दूसरे को सम्मान करना चौथा वचन एक दूसरे की इच्छाओं को सम्मान करना और पांचवा वचन अपने परी बुरी आदतों को त्याग करना और छठा वचन जीवन में आई सभी कठिनाइयों को डटकर मुकाबला करना और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरा साथ देना और सातवां वचन और महत्वपूर्ण वचन संतोष जीवन में जो भी बोलो जो भी मिले लो वे संतोष कर ला अपनी इच्छाओं के लिए बढ़ो ला वाह मैं आज समझू कि मेरे बच्चे इतना समझदार नहीं है वाह समझी जी क्या बात कर नहीं बच्चे लोग समझी जी ये घोषणा करो माने बच्चों की खुशी हमारी खुशी अरे हम तो एक माँ थे हूँ छा ये बड़ी खुशी बात है बकित ठीक ना पर मेरी दक्षिण क्यों बोलो किला झामन ना मेरी पुड़ी पर लात दबोला और छुयर पंडित जी और छुई अरे पंडित जी तुम्हारे दक्षिणा थकी नहीं जाती अगर मंदिर में भी करो ना तो तुम ही तब बोला दक्षिणा तो मिल जाती तुम तो भेजो अरे भाई अंत भरा तो सब भरा भाई सरिता ये धन धनी के माइक सेल भी भेजो बोलो भगवान बद्री विशाल की जय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजौ मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलायतनौ हरि पवित्रस्थौ वैष्णव्यौ सवितृवहौ प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुनैतच्छकेयम् माम्
अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थानगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तरस्तुजे पुण्डरीकाक्षप्रणातुः पुण्डरीकाक्षप्रणातुः भगवान् पुण्डरीकाक्षप्रणातुः आचम्यः ॐ केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हस्तप्रक्षालनं ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थानगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तरस्तुजे वामहस्ते गोषस्पानादयो दक्षिणपाणिनामाच्छाद्यः जय भूतानाम् अधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ते खाकुं सहसयो जने वधर्वादि तन्मसि अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूसस्ता ये भूता कर्तारः ते न मोहित हमारा सब लोग आएंगे ना ठीक ठीक पंडित जी तो कह रहा भाई योग की तैयारी कर रहा है इतनी बोला पंडित जी हाँ मेरे तरफ से तो पूरी तैयार हुई था आप तो मैंने कह रहे कि बर्बाद हो गया बोले जाए कम बैठा था ताकि मतलब कि जो करे तो पता नहीं ठीक है पर कन्या एक समय का एक बैठ अरे तुम्हार क्यों अगर इन्हें प्रकाश है तो लोग कौन कौन दारू पी मेरे प्रकाश है छेड़ जा छेड़ जा अरे मैं कन मैं सरी मास्टर बैठा जाऊं मुंह अरे पंडित जी यूं तो शॉर्टकट में जो कर मंदिर में जो करना छ अरे तुम तो आराम से करा भाई पूरा विधि विधान का साथ करा है हाँ क्या पता यू कह के देगा भाई बयान ली हो जैसे तब है तभी फटाफट करना नहीं मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ॐ केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हस्तप्रक्षालनं ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थानगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तरस्तुजे वामहस्ते गोषस्पानादयो दक्षिणपाणिनामाच्छाद्यः जय भूतानाम् अधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ते खाकुं सहसयो जने वधर्वादि तन्मसि अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूसस्ता ये भूता कर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपाक्रमन्तु भूतानि पिशाचा सर्वोदिशा सर्वेषां मौलिनां पूजा कर्म समारवे ॐ प्राचीनो इति पूर्वे प्रवाचे नमः दक्षिणायां दिशि प्रदिच्ये नमः पश्चिमायां दिशि उदिच्ये नमः उत्तरे संस्कृति अब गौ कन्यादान हम किले कर दें गाय माँ हुनने 33 करोड़ देवी देवता को वास है गाय माँ और जो कन्या हम दान देना था ताकि मतलब कि वह 33 करोड़ देवी देवता गाय का रूप माँ भी कन्या की रक्षा करण में इले हम गाय दान कर दें और यह हमारी मतलब कि संस्कृत में एक अहम हिस्सा है कन्यादान और गायदान गौ कन्यादान इले ही मतलब कि श्रेष्ठ मन पंडित जी गौ तो एक जानवर थे ये इंसानों की कन बदल कर सकती शाबाश बेटा तुम बहुत बड़े सवाल पूछी मैं मान गई हूँ कि गाय एक जानवर थे लेकिन बेटा जब कष्ट क्या हो तो हम जानवरों पर निर्भर रहना है ना और जानवर हम पर निर्भर सन अब जब भी मतलब कि कष्ट हो दो तो जानवर ही हमारा काम होने है ना तो गाय दान की तैयारी कर दा है ना चलो भाई सब उठा आप जो जानकारी के ऊपर जमा करा
सर्वास्कं देवतं यथानां गोत्राय ब्राह्मणाय सुद्यमं संप्रददेहे मंत्राथा सफला संतु पूर्णः संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाथाय मित्राणां मुदयस्तवः ॐ यतन्ते देवः गणाधिपं नमस्कृत्य उमा लक्ष्मीं सरस्वतीं दम्पत्युरक्षणार्थाय पतिग्रन्थिं करोम्यहं श्रीदेवदेवं कुर्मङ्गलानि सन्तान अच्छा भाई भूया यार तू कौन छोटा है फिर ये तू चांद खुश है भाई मैं तो सब नहीं उन दो चल अब बैठ ही बाहर चल यार कब आ पहुंच तू यार पहुंच यार सब ठीक है बस सब बढ़िया है हां दोस्त आज हम दोनों को सपना पूरा होएगी हम जो इंटरव्यू दिनो छ इंटरव्यू वाओ हम सिलेक्ट होएगी सिलेक्ट अरे हम तने कनाडा जाने को ऑफर मिलू छ हमन कनाडा जान कनाडा समझी ले यार वाले मैं नहीं जा सकता और मैं चाहता हूँ कि तू भी न जा किले नहीं यार भाई मेरी जू नहीं मरना यार यार हम एक साथ पढ़ाई करी एक साथ ट्रेनिंग भी करी और जे बेस पर हमारा सिलेक्शन हुआ कि तू नहीं चाहती कि हम भैरा बजाए अपने गढ़वाल में अपने हुनर दिखा यह पटी पलायन तेरों का सिच लगी यार गरीबों की धन का धन की यार ये धन का धन की तय बंद कर छोड़ यार पागल रहेगी तू पागल रहेगी तेरा दिमाग भाई इतना अच्छा मौका तो हासे गवाड़ी चाहिए यो वे तो यार बदल की दूरी है अच्छा भाई मौका पैसे कमाने का मौका मेरे दगड़िया पैसे तो हाथों को मिल ची यार आज भी तो भूल ची लेकिन जो जन्म सिर्फ एक बार मिले और जन्मभूमि का खाते कुछ करने वक्त एक ही मेरा दगड़िया एक दिन पलायन होने वक्त एक मैं तो पता मैं सोचू कि हम भी कभी कंपनी खोला मैं तो कंपनी नाम ही सोचू जी भानु प्रकाश कंस्ट्रक्शन कंपनी यार सच लगी लोग धन का धन की और प्लान भी होना चाहिए तो मैंने सोची कि ना हम भी मिले तो काम करें और लोगों तय रोजगार भी मिले प्लान भी मिले यार कुछ ना कुछ तो एक कर दो बेरोजगारी कम होगी अरे भाई वो तो ब्योग बात पूरी बदल गई यार मैं बचपन बड़ी साथ रहे यहाँ खेलिया कूदिया खाई पी दगड़ा रहे यार यही चुद्र हुआ था तीन क्या बोली जो यार दुनिया हमारी मिसाल दी यही थी हमारी मिसाल अब मैं कबारी मना करना चाहूँ गढ़वाल में रहेगी तक हम कुछ कर सकता है यार अब मत मरेगी तेरी अब एक सिर्फ ढूंगू और माटू जी माटू चाटी बस एक माटू भानू जय माटी तो बात करनी है ना वही चाटी बड़ा है मेरे दगड़िया भूल गए हमारे देव भूमि स्वर्ग जो स्वर्ग हमारे गढ़वाल स्वर्ग जी ये धरती ना सोना में डूबी सोना बुआरी मैंने थोड़ी नहीं बोल सकते तो ये तो जल दे मारी थे मैं घोषणा कर दू अरे बुआरी यू मोबाइल ना न जाने कद हो तय ठोकर लगे कोई सेल्फी लेगी वो ना कोई मोबाइल आप विस्फोट में जान गवाना छ तब भी ध्यान नहीं देना चेतना नहीं सॉरी सॉरी सरता
की लगी थी नहीं चोर मैं दीदी ठीक छो बोला क्या काम छे अब तो इन काम कर बाजार जा और एक सुंदर सी जोड़ी कपड़ों की लियो परसों हम मुंडन में जा अरे सरिता मैं देहरादून जानू छो बाजार तक मैं लगड़ी चल वही के बाद मैं देहरादून निकल जालू तू सामान लेके घर रह जाए देहरादून हाँ बाबा जी अरे प्रकाश देहरादून कोई काम हाँ बाबा जी वो हाँ बाबा जी रामनवमी में तय हमारी कंपनी उद्घाटन ची तू जरूरी कागजात रही अच्छा तो उनका सिलसिला में देहरादून जानू छो फिर मेहनत तो कर पड़ ली चल सरिता तैयार हो जा अरे क्या तुम भी दो जोड़ी कपड़े लेना तो बाजार जा मैं ऑनलाइन ऑर्डर पिक कर दूँ हाँ भाई चलनी तेरी मर्जी अच्छा पिताजी मैं चल रहा हूँ अच्छा माँ मैं चल रहा हूँ फोन कर दे वाह हाँ पिताजी फोन कर दियो लो मैं ये देखो सासू जी यो बेटी ने तुम तक खूब पसंद से बोला दो दिन में कपड़ा हाजिर भेजाना कहीं की बेटी की हाँ हाँ भेजाना तुम पसंद करा ये कहते मंगे थी हाँ यू कंजे हाँ यू भी अच्छा लगा ना सरता कब छे तू पड़ी है ऑनलाइन ना चक्कर में हैं जवार तक तेरे मैसेज जा लूं फिर आ लूं तब तक तुम बाजार बैठी शॉपिंग करी आना अरे दीदी ये जमाना बहुत एडवांस है अब भी देखा मैसेज जा लूं तेरी मर्जी भाई सरिता अरे बेटा वो कपड़ा नहीं है ना जो यार मैं भोरूक जांच हो अरे ओना होला माजी उन बुक कोई दिन करे छा कौन चाला वो देखा पोस्टमैन भी आएगी बड़ी जी नमस्कार नमस्ते बेटा ठीक ठाक हाँ ठीक और के क्या होड़ो बस के हो हमारी एक दा कौन छे तेरी इंतजार में छा अरे भेजी की भाई कैसे हम ऑनलाइन कपड़ा मंगाए छा देखा मैसेज भी वावर एक छो पर अभी तक पहुंच नहीं कपड़ा अरे बुलेकन बात कर दी तू इधर तो जान दी छे तू पढ़ी लिखी छे तू मैसेज जान दो हवा में और डाक आंदी गाड़ी में तो टाइम तो लग दो छे अच्छा बॉडी चल दो नमस्कार अब के होनो अरे छोड़ती हूं बात में इन काम कर दौड़ी के बाजार जा अरे एक अच्छी सी जोड़ी कपड़े लेते हो अरे माँ जी इन तो वही नहीं सकू कंपनी वो सर्विस बहुत तेज होनी और यार सरिता सिंह हाँ हाँ पति प्रकाश सिंह हाँ हाँ गांव खेड़ी अरे हाँ हाँ कुरियर जी तो डिटेल तो लेनी है मैंने अरे पोस्ट ऑफिस खेड़ी हाँ हाँ तहसील खेड़ी जिला पौड़ी अरे हाँ दिया तुम अरे अभी साइन कर दिया आप यार धन्यवाद चल बेटा खोल जल्दी फटाफट खोल दे हाँ हाँ जरा अरे मीन तो मंगे छो तीन साल होते ये तो 25 साल होते मंगे थी बड़ो सहज एक लग रहा अब क्या बोलो कोई बात नहीं सास जी मैं कह काम से बाजार जाऊं छो मैं ले आ लो हाँ बस सर जी थोड़ा सिविल बस केवल साइन होनी ना बस बाकी वही बेटा बहुत इतवार जा ठीक से सर जी और परसों सोमवार को है तो सोमवार को तैयार काम होगा पक्का भैया हाँ पक्का तू जा ठीक से ठीक से साहब चल रहा था ठीक साहब से छः अंग्रेजी हम भी गर्व छे साहब मैं तो सुनी छो कि अंग्रेजी बोल से बात का वजन बढ़ जाना
इला मैंने अंग्रेजी बोली। मैं तो क्या पता छो कि आप लोग भी गढ़वाली चाहिए। मैं अपनी गढ़वाली भाषा से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जो बात मैं अब आपसे बोल जाओ शायद आपको पसंद नहीं होगी। कुछ वजन तैयार पहले गढ़ हो और कुछ अंग्रेजी बोली गण बढ़ जाओ। बात कर गो मुँह में घुमा दी और जो काम की बात थी वो सीधा बात कर। सर मेरे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का यूजी उनमें तक कैनेडा फिट इंडिया ऑफर आई यूजी, मगर मैं वो नहीं जान चाहता हूँ। विचार लो कि अपना पहाड़ में रह गए थे एक ऐसे सेवा करूँ और यहाँ लोग होते हैं रोजगार ले सकूँ, जहाँ से सबों की गरीबी जरा दूर रह जाओ। अरे लोगा ये पहाड़ में क्या धरूँ, कुछ नहीं धरूँ, केवल एक डूंगा और बहुत है ना। तो वो नहीं तो करने क्या ठीक है फिर साहब, अगर इन सब की गढ़वाल बहुत सोच लग गई ना तब तो नहीं गढ़वाल को विकास उत्तम विचार थे क्या। लेकिन हम क्या कर सकते थे, हम क्या भी सही ना चले ना कि माटू ढोंगो माटू चाटू ढोंगो खाओ ऐसा ना कुछ नहीं है। साहब मैं पर गढ़वाल में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शॉप में चाहूँ, अब वहाँ पंजीयन वास्ता मैं आपको चाह रही हूँ। बहुत बढ़िया ठीक है भाई, जो भी हमसे सहयोग लो हम कर ला ना। अरे बहुत ही मदद, लेकिन जो तेरी सोच बहुत बढ़िया थे ये से शायद गांव को विकास भी हो लो है ना। अरे खैर हम आपस में बात करे थे, अरे तो जो भी पंजीकरण वगैरह हम कर रहे ठीक है। एक शर्त हमारे बीच है कि अगर तू तो ईमानदारी से काम कर लो जैसे गढ़वाला बनो हुआ तो हम जल्दी से जल्दी तेरा रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। जी साहब जी साहब, मैं भी नहीं चाहता कि ईमानदारी से काम हो न तो यू ठीक करूँ अपना कमीशन आ चक्कर में सारा प्रदेश को विनाश कर ली और योग कारण तो पढ़ाई चो। ठीक है बेटा ठीक है, पर एक बार बताओ तो नबड़ी कंपनी को नौ तो सोचो लो कि चाहे ना नहीं नौ। जी साहब नौ नौ साहब भानु प्रकाश कंस्ट्रक्शन कंपनी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये लो फॉर्म चाहिए, ये फॉर्म भर ले। जी साहब अगर तू ईमानदारी से काम कर ली तो जितना भी सरकारी काम होगा हम देते ए ग्रेड बी ग्रेड तो अच्छा ग्रेड हो रहा है बदलाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद साहब धन्यवाद, आपकी उम्मीद पर खरा उतर दिया मैं। ठीक तू जाओ और तेरे जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो तेरे घर के एड्रेस पर आ जाएगा। ठीक धन्यवाद सर। अबे यार जाते 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 भी अंग्रेजी बोली चली। अच्छा सर अपन एक बात महसूस करी क्या कि अगर ना हम तक कुछ नहीं मिली पर यार यो थे कि जिगड़ में छप छप पड़ी नहीं। चलो कोई बात नहीं यार, इतना लड़का बहुत बढ़िया जाओ और अगर अपना गड़ो भी चाहिए अच्छा काम कर रहा तो कोई बात नहीं। हाँ खैर हम तक मतलब कि मदद करी चाहिए तो संतुष्ट हो जाना बस। तो हाँ जी बैठी हो मुझे पानी भांडी भरे इसे दे ली फोन पर बैठी ना क्या बोल रही था आज गले बार ही नहीं थे ना है वो एक उंग बार जी दिन भर काम पर ले कदम सुध गारी बार जो Ну,
जाओ मैं तेरे। अरे सरी सुनिए छे बैठी सरी, आज हमारा सुना पूरा लेके हमारी कंपनी काम शुरू कर रही। सरी फिर आज से स्वाणी मुगड़ी किला लग गई छे, तबियत ठीक छे ना तेरी? मूड खराब छे मेरो आज, तुम तो पता छे गांव में बार में के बोला काम चोर दिन भर फोन बरन लग्यू और तो हर मेहमत को संस्कार नहीं छिन। अरे यार छोड़ देने की बात, दुनिया तो कुछ भी बोल नहीं रही, हम ते अपना काम से मसला ना फिर चाणू। सर रगो वो गीता दीदी को गुणगान आनंद गाना तो तू भी गीता भोजन दे दिखो ना। मेरा मतलब छ कि जन लोग चंदन उन कर गीता दीदी पता नहीं के जमाने की बात करदा हूं मैं कपड़ा रखण उठण पिसण मोल गण आज हमारा यूं चीज को महत्व छ मैं बता। खैर छोड़ तुम दुरानी या जठानी छुई इनका तू मुंह में छू कर कि तो ते खुशी भी कि हमारा सुना पूरा रहेगी तन बात सुन करना तो तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी छ वो पगली हमारे जन्म जन्म को साथ छ। अबे सुन, ए अबे पेड़ू का बच्चा चल मश। अबे जल्दी आवा, अबे छोड़ी तुम, ए चल चल अरे बसंत भाई, अरे आज घाट में किछाई ने साने तरह घूमनी के बात हुए, अरे हमें भी तो बता कुछ। अबे अबे मैं साण से तो बचाऊंगी, साण से बचे तो दिखनो 24 घंटे जबर जबर सलम बजा के मजा कर दो सालों। बसंत भाई क्या दिक्कत है कि बोल, जब परेशान की लगी था। अबे मांगलू ना नहीं मांगलू ना मांगलू, हाँ हाँ ना कर मांगलू मांगलू ना भोग दे भोग दे मैगी इतनी बड़ी कंपनी जी। अबे वे हमारे सरू रोजगार छीने दी बेवे ना, लेकिन मजा आ रही इतनी कक्षो है। हाँ चलो अच्छा मंगलू, अरे अगर मैं कि दुनिया नहीं लेकिन ना तब मेरे नौ भी पेड़ नहीं पेड़ू पेड़ू एक ही, अगर मैंने सारी चीज खराब नहीं करे तो मेरे नौ भी पेड़ नहीं पेड़ू। हाँ हाँ पेड़ू मैं पता थी तीन क्या करने हो, और आराम से बैठ यहाँ बैठ यार, हाँ और यहाँ बैठ। अरे बसंत दा, अरे मैं को कीमा बनाए तो कीमा बैठ बेड़ो बैठ आराम से बैठ 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 बैठ। तुझे पता चे ना, तुझे पता चे मेरे गुस्सा का सकते, फिर भी तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा यार। अबे मैं दीवाड़ू छो दीवाड़ू समझ छे, दीवाड़ू मतलब दीमक दीमक और फोन न समझी मैं ते क्या
काट फोल न समझी मैं ते कोर कोरी तक खांदो बेटा कोर कोरी ते मेरा भुवन ना मोरदी दा पूरी छो बेटा कि जो काम कर ली चट कर पसंदा चिंता नहीं कर किराए का कुंडा मंगाना और बीवी के साथ एक चट नहीं मरना अबे चुप एकदम चुप क्या तू कह गुंडा से कम से क्या मैं दगड़ी चला समझ गया जब फसल तो भाई तुम इस कोटी निकाला मैं तैयार हो जाऊंगा हमारी कंपनी में जब भी ज्यादा नौजवान हूँ हमारी कंपनी खुद में ज्यादा नमस्कार पसंद हो गए कि बात आज पूरी की पूरी मंडली थी कुछ काम छो क्या काम अबे काम से छीने भी हमारो काम काम छीना भी मतलब क्या मतलब नहीं भाई तुम्हारो मिल क्या करी मिल क्या करी अबे तीन हमारा सारा ठेका बंद करेगी तीन हमारा पेट मार दांत मारेगी दांत तो भैया मेरे की गलती थी आज तक तुम बिजली से कंप्यूटर काम करी है ना अब मैं भी काम करा बस फर्क इतना बोलू कि आज तक तुम जंग में मिलावट करी वो बेमानी है अब ईमानदारी से काम करें वाह वाह क्या लोगों नो नो और मैं तो जैसा सिखोड़ी तो अबे मेरे नौ पसंद तो ठेकेदार थी पसंद तो ठेकेदार कान खोली तो सुन ले मेरा जितना भी ठेका छ ना वो मैं तय मिंचे ना और वो भी मेरा रेट मां मिला मिला ठेका भी तुम तय मिला मगर रेट भी लगना जो सरकारा वाला आज तक तुम बहुत कमीशन कहे दबे दबे की अब जरा कम खान अरे उत्तराखंडा बारा बा तो सोचे कम से कम यार बोला ज्यादा चबर चबर ना कर जो मैं चाहता हूँ ना वही हो लू वही जब तक मेरी कंपनी जी ना कहीं मनमानी नहीं चल रही जो सरकार रेट छन वही पर ठेका मिला जब यार तू काम करा और मैं तभी काम कर दिया ना ना बोली तू पसंद ठेकेदार थे
अबे यू कंदोड़ियो ना आज तक कभी ना नहीं सुनी और सुन ले, मैं दीवाड़ू छू, दीवाड़ू दीवाड़ू मतलब समझदी छे दीमर कोर कोरी खंदो कड़कोर न समझी। अबे मेरा भुवन मर्दी ना बोली छो बेटा, पसंद तू जो काम करी या चट कर। बिंडी इले बोल में अग्ने तके सोची चल। आज जन्म हता सुने जरूरत नीचे, आज कल जन्म मत हर काम फटाफट हो जानू, मैं भी जानू पीस ही लानू। ना ना सरिता इनकी बात नहीं थी, तो रेंट दे बोली मैं जन रहा हूं पीस दे। अरे दीदी का तो तुम और खड़ा जंदरा चक्कर में पड़े हैं, कुछ नहीं सोचा नहीं? अरे मैं भी नहीं सोच रहा हूं, इनकी बात नहीं थी, हमारी पुराणों की जो सोच थी जो उनको आविष्कार थी कभी हम तक धोखा नहीं देंगे, वैसे हम तक कोई परेशानी नहीं थी। नीचे बुआरी हमारा जो पुराना रीति रिवाज संस्कृति है ना, वो कभी फेल नहीं हो सकती। ना मैं नहीं मार दूँ, आज कल जाना मत घंटों काम मिनटों में भेजा दूँ, मैं भी जानू पीसी ला दूँ। अरे सरिता रुक जा रुक जा, अरे कब पानी तू दुनिया की दन का दन से छुटकारा। ओके शाम तक पूजा माता पकौड़े बनाना ठीक है, अभी पीस दो।
अरे दीदी पिछड़ा जरूरत नहीं चाहिए, मैं फटाफट में एक सरप्राइज दे दूँ। अरे सरिता थोड़ा सी चलो, वो तो तुम्हें सिलोटा वही पीस दे। कौन से बरात या पकौड़ा बनाना हो मिक्सी के काम। अरे दीदी की तेरी प्रॉब्लम क्या चाहिए मेरी मशीनों से। अरे बुली मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, पर इतना सी दाल थी। अब जो काम हाथ से हुए समझो तो ये मशीने की जरूरत थी, अब उन भी कौन से मन बरात या पकौड़ा पकाना। इतना सी दाल थी मैं तुम्हें सिलोटा वही पीस दूँ, मतलब हमेशा पर टांग ऊपर। अरे जमाना कदरी दन का दंगी कंसी मैं तेरे बहुत पिछने रह जाला। जन तेरी मर्जी उन्नी को क्या ये मशीन साहब है लड़ भागी ला में पीस दो ना, कोई जरूरत नहीं चाहिए। तुम मन मोने तो भेगी, अब ये पीसू तुम्हें। एक लाइट के चल गई तो भाषण जोर शुरू कर ली। अरे जो प्रकृति की बनाई चीज है ना वो कभी हम तक धोखा नहीं देंगे। बात बोली आज तो बड़ा गुस्सा मच है दिखेनी, कैन कुछ बोली क्या? बोली केन पूछा कि केनी बोली क्या? बोली कैन बोली मैं तभी तो बताओ ज्यादा ना बड़ा दीदी इस सर आग तुम्हारी जी लगाई मेरी। अरे मैं क्या करे ज्यादा बोली ना बड़ा दीदी, मैं तो नीचे दिखाना वास्ता दिन भर काम भर लगी ताकि तुम्हारी इज्जत बढ़ जाओ और मेरी घट जाओ। अरे कोई भी राह चलता इंसान थे दीदी प्रणाम भूली प्रणाम जठे जी कन छिन कली छिन, अरे क्या मतलब चाहिए चीजों?
बोले यू ही हमारा संस्कार है, छोटों के प्यार से रहो, बड़ों को सम्मान करो, यह हमारा संस्कार है ना, हमारी संस्कृति। संस्कार तुम बोलो मतलब तुम्हें मैं संस्कार नहीं छिन, मैं मैं संस्कार छी छिन, पर तुम जन में नौटंकी नहीं कर दू। तुम तो पता चमा भाषा में क्या बोल रही थे, चमचम गिरी बोलो चमचा गिरी। बोली सरता आवाज तो बहुत कुछ समझ है, तो बैठे आराम से बात करना। हाथ लगा मे पर, मैं भी देख लियो लू तुम सही छो कि मैं सही छो। एक ही समझ बात पता नहीं कमा रही आई बात। छुट्टी पर चलते आज देखो आप देखा ठीक साहब, आप टेंशन ले लिया मैं सब निपटा दूँ बाद। ठीक है साहब, मैं चौदह चौह में जरा देख आऊँ पार क्या करना है। ठीक साहब मैं चौदह आए। प्रकाश की इतनी मजाल क्यों वेन इतनी बड़ी कंपनी खोले दी और हमारा पेट पर राज बना दी वेन। अरे बसंत भाई तू चिंता न कर, मेरे नौवी पीड़ू च पीड़ू साल के अगर चटनी ने बने ना बिन चटनी। बसंत भाई तू हुकम कर, देखता मैं जेपी कंपनी चलो चल मुंशी तकड़ी बात करता। चलो मुंशी से मिलता। अब एक पेड़ू सुपरवाइजर साहब नमस्कार। और ठीक ठाक यार फिर एक काम कर ली। हाँ साहब बोला क्या काम है आपको। अगर मेरे काम कर दे ली ना रुपयो मत तोल लू रुपयो माँ काम कर दिया। ये जो काम चल रहा है बस ये मत थोड़ा मिलावट कर दिया, जब चार फोट लगा वो दी लगा दिया जब दस लाख ही तक लगा दिया। ये जो प्रकाश कंपनी है प्रकाश कंपनी ये प्रकाश कंपनी था बस बर्बाद कर बर्बाद कर एक बोले जाए बर्बाद करनी था यार। ना भाई ना इसे नहीं सुध पाप पाप जी काम पाप जी पाप 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 पाप। अबे पाप को पाप हूँ तो पैसा ले ले मैं तेरे एक लाख रुपए दे दूँ पर क्या ये जो कंपनी थी ना प्रकाश कंपनी ये तो हर तू एक बार बर्बाद कर देता। भाई साहब यानी बेमानी ना मेरे दादा ने करी ना मेरा बाबा ने करी और ना मैं कर लूं। अरे कुछ है तो बसंत वैद मना कन वालो आज तक की पैदा नहीं आज तक। बसंत भाई तू हुक्म कर एक बार मैं देख लूं लेते
अरे बसंत भाई, अरे तो भागी भागीगी, चलकर प्रकाश दे ढूंढना चलो। अच्छा बसंत भाई, बसंत प्रकाश भाई तो ठहर तभी देख, ठहर तभी। सांस ले ली पहली, मैं तो पता चल, चल मैं देख दूंगा। तुम प्रकाश तक दूध, प्रकाश खुद है बसंत दुदा, तू बड़ो कमी नहीं इंसान छे, ये तो मैं तक पता चल, लेकिन इतना बड़ू मैं ते आज पता चली, ये देवभूमि माँ तुए जना राक्षस मैंने पहली बार देखी यार। अबे प्रकाश प्रकाश, ईमानदारी को बिगोल ना बजाओ। क्या ईमानदारी को बिगोल ना बजाओ? अबे यूं का बच्चों से क्या तू भूकू मार ली? और तरीके से भी तो कह सकता, मेरा कर्मचारी तो भड़कोड़ा छा, तुम तमीज से काम करा, नतीर हवा कर दिलो तुम, हवा एक बिटिन समझ गए, चुपचाप निकल जाएगी बिटिन, जन ऐच है, नतीर आग लगे दी आग। अरे कैदड़ी बात है कनी तू, बसंत दा चुप, बसंत दा वेगा बड़ा बड़ा नेता, वेगा अंगने पिछने घूमदन, बड़ा बड़ा अफसर, ना अबे ना, बसंत दान कभी ना नहीं सुनी, और बसंत दान एक कंजूर कभी ना नहीं सुनी, हाँ सुन ले, और मेरा भुवन मोर्दी दा बोली छो बेटा बसंत, जो काम कर लिया फट करी, अबे दीवाड़ू छो, मैं दीवाड़ू समझ दी छे, दीवाड़ू मतलब दिमाग कोर कोरी तक खोदो, कोर कोरी जा, अबे जा तेरे और पसंद आबा हाथ मारी देख लो, बीते थे कौन मार दिन हाथ ये मेरी माँ, ये खून देख लो, बीते देख लो, बीते छोड़ने जा पाने आता हूँ, देख लो बीते थे कौन साला चल मार देख लो बीते थे खूनी खूनेगी कल मोरिया छोरों को हैं, और वो नहीं पसंद हूँ, ये पसंद भाई यार, क्या मेरी मान को जब पिता ने बोली यूँ को साथ छोड़ दी, हाँ पर मेरी मान ही नहीं क्या बोलू, ये मेरे सर खूनी खूनेगी मेरी माँ, आज पता चली बेटा है कि माँ बाप का निकल गया, मैं समझे उन पर समझ नहीं क्या मेरी माँ, चुप जा ये घर भी चुप जा, चुप जा तक पी नहीं बस छुपी रहा, चल तो चुप जा, चुप जा बस चाहे बीच में छुपी रहा जब तक पी नहीं।
बुढ़ी उम्र में है वो तेरे धनी पूछता टूट गई बेटा गाड़ी भी चल गई तेरे नौनी चोट आई और तू उल्टा काम करनी है तेरे नौनी चोट लगी चाहिए तू लड़नी से छोटे बजे दाड़ी समझ तो मैं बिल्कुल ना तू क्या बोली मेरी नौनी की चोट लगी मेरी नौनी चोट लगी ना ना नहीं जी मैं तेरी क्या बोलेगी मेरी नौनी को चोट लगी ना ला ला मैं पता है जी सुन रही हूँ ना ना बसंत दा रे धो गया कुछ नहीं हो देख लिया अपने कर्मों की सजा दुई मैं ना भी नहीं तेरा पुस्ता लगाया जो दूसरा से खड्डा खोद ना वह मैं खुद गिर जाऊँ एक दिन देखनी छे अगर अच्छा काम करे आवेदा मिलावट न कर दी तो उत्तराखंड ना बर्बाद नहीं होगी ठेकेदारों की वजह से ये सब काम चल उड़ा सू छाओ या तुम ले खतरी सुन छा पेट होता प्रकाश भाई न मांग खड़ू समाज अपराध है कुछ नहीं भावित है ठीक है जालीवा लेकिन आज मैं से वादा कर कि अगर कर ली तो अच्छा काम कर ली ना तेरे कोई काम निकल ली तू प्रकाश भाई बैठो भाई अच्छा सुनिश है अच्छा काम करो प्रकाश भाई अच्छा कर ला और चुप है जहाँ चुप रहो चल चला भाई सन जरूरत की बात नहीं ची आज तुम मारो मेरे कंपटीशन ची देखा छन तुम जीतता कि मैं जीतू अरे सरता भूले वे बहने में कभी कंपटीशन है तू तो मेरी छोटी भूली है अगर मैं से कोई गलती होगी तो मैं तो माफ कर दे माफी अरे बेइज्जती वही ची मेरी बेइज्जती आज गांव वाला सामने कंपटीशन भेजो देखा छन तुम जरूर थकता कि मैं जरूर थक दू ठीक ची मैं तो तेरी शर्त मंजूर ची अगर मैं हार गयी तो मैं जीवन भर तेरी गुलामी कर लू अगर मैं हार गयी ना मैं भी तुम्हारे गुलामी करना तैयार छू ना 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 सरिता इन निकन भूली मेरी यह शर्त ची अगर तू हार गए तो ते तो मेरी बात मान पड़ ली अपनी संस्कृति अपना संस्कार अपनी भाषा यू सब तक जीवित रखने तू कोशिश करिए हाँ हाँ ठीक ची अरे देखो
दिखा दिखा। अरे ना दिखा, चोट लग गई तेरा। अरे छोड़, लीव मी अलोन, डोंट टच मी। अरे छोड़ सही, दिखा। मैं तो यहाँ लेके आऊँ तेरे। ना कोई दर्द नहीं चल, चला छोड़। चला। I know English culture, but I don't believe it. चुप कर ही बैठ, दीदी ने थप्पड़ मार दो तेरा। मैं अभी दवाई लेके आऊँगा तो, बैठ। हमारी प्राकृतिक जड़ी बूटी है, देखिए हम खून अभी तुरंत रुक जा रहे। अरे पागल, अरे तू तो मेरी छोटी बुली छे, क्या मम्मा पे क्या बात थी है, शांत हो जाए। इन कोई बात नहीं थी, मैं तो कोई तेरी कोई बात बुरी नहीं थी। आज की चकाचौंध में हम अपना रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति सब कुछ भूलना चाह, यू गलत छे। बोली तीन अति विश्वास करे आधुनिकता पर, जय का कारण तू निराश हुई। भले ही इंसानों की जगह मशीन काम करनी चले, पर वे को दुष्परिणाम सब जानवर। तू तो इतना पढ़ी लिखी नोनी छे, ते तो ती सब चीजों समझदारी छे। ड्रामा कौन तो घूमनी छो दूर इच्छा ही छी बात कुछ हो रही रही झगड़े भी होने लगे, लेकिन देखा ना जगह दुर्भाग का संस्कार सचमुच यार ताकत है यार, प्यार है यार, सम्मान है, क्या नहीं हमारा कटवाल में यार। भाई कटवाल है बस अभी है यार भाई। हाँ हाँ भाई, ये तो गढ़वाल की सबसे बड़ी शादी निकल गई है। मार दोस्त मार, तू भी ताना मार। आज मैं पता लगी यार तू सही और मैं गलत छोड़ा। कल जन क्यों है भाई? बस यार मैंने तो सुनी भाई, मैंने तो सुनी कि विदेश में पैसों होंगे भरमार चो भरमार। भरमार तो छह ची, काम भी ची, बहुत कुछ ची यार, पर यार सुख चैन बताओ तू कब के दिनों का ही छे? दिनों तो नहीं यार, मैं हमेशा तो यहाँ कह गया यार। यार अपना गढ़वाल की मैं बहुत खुश लग गई यार, यू हवा यू पानी यू पेड़ पौधा यू खेत खलिहान यार, बहुत दिखना अलग नसीब नहीं होता यार। ये कारण से मैं सोची कि यार मैं किले ना अपना गढ़वाली माँ हमेशा किले रह जाऊँ। हाँ दोस्त बहुत बढ़िया सोची तुम, देख बच्चे हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खाना दबरिया भानु प्रकाश कंस्ट्रक्शन कंपनी। यार तुम्हें भूल ही नहीं यार। हाँ दोस्त तू भूल गई पर मैं नहीं भूलूँ, मैं तो तू भी भानु छे जो बचपन में छे, जो मैं दगड़ी तू कौन हो नंगी नंगी दौड़ दो छो खिल दो छो है ना, एक दूसरे काकड़ी चुराना छा भी भानु छे के वे तो हम बड़ा भेजा, लेकिन सोच बचपन वाली छे तो पता छे हमारा सपनों भी छू हार जीत नहीं होंगी, पर एक बात बताओ तेम इतना पैसा कब बढ़ी है यार? पैसा जाया सवाल पूछ रही, अबे तुझे तो पता मेरे को मंदिर में भाई मंदिर में। हाँ मंदिर में भाग्य है रह नहीं छे जो मंदिर में है मेरा। और सुन बात बाबा जी का दरिया मिता है 30 लाख रुपये जो होते हैं लाख रुपये और ईदगाह मेरे 17 जी का चादर तो कुल मिलाते हुए ना 60-70 लाख। ठीक जी अब मैंने सोची जो मकीना लगो ना कुछ अच्छा काम करता जैसे पलानी में रुक सकूँ
यहाँ का मतलब ना भानु प्रकाश एंड कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा करी यार दोस्त। अच्छा तो करी वक्त और अच्छी चीज धरी मैं तेरे वास्ता सरप्राइज पता है तो पहले क्या अरे तू जैक रोल नहीं तो याद कर ली तो चल तेरी वक्त देख अरे साहब जी मैं तो कोई नौकरी मिल जा रही अरे छोड़ी वापस फिर पुरुष गिर छी एक छी मैं तो पता छोटी नहीं दिन जरूर रहा आगे पंची पे जरा छोड़ी दे का तुझे मान दूं ना प्रकाश तिन में एक काबिल समझी यार अरे मैं तो एक काबिल भी नहीं यार तिन में तो इतनी बड़ी पोस्ट तू भी मैनेजर की यार मेरा दोस्त ना मां पड़ दे चुप रहो बना नहीं बना नहीं ये अंदर चले भैरव माटी मां उत्तराखंड की माटी मां वाकिफ छो मैं और मैं तो पता चल तेरा फोन ना भी उत्तराखंड की खुश पूछे मेरे दलिया बस भगवान से ये विनती है कि जन तेरे मन बदले तो हर उत्तराखंड की मन बदले जन की सुधि की सुधि दंत बदले वापस तो तेरे को बनाएंगे मेरी आप लोगों से भी विनती है उत्तराखंड बॉडी दया का वहाँ मैं तो प्रकाश जन दोस्त मिले शायद आप जाना मिले तेरी खुद माँ क्या होगे निहाला है कि देखी जदी तेरी खुद माँ क्या होगे निहाला है कि देखी जदी तेरी खुद माँ क्या होगे निहाला है कि देखी जदी बाटी मैं दिन रात तेरी ही छुई लांदू जे के माया को रोग लगी जब बाटी मैं दिन रात तेरी ही छुई लांदू जे के दगड़िया क्या ऊपरी मन क्यों मां तेरी कसम सची